अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला मल्ला नबी बादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह अल फातिहा की आयत नंबर 4, 5, 6 और 7 होगा। तो आइए कुरान मजीद खोल लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आयत नंबर आज हम पढ़ रहे हैं 5, 5, 6, 7 का सबक। إياك نعبد وإياك نستعين। إياك तेरी ही का, आप जानते हैं कि काफ से बरका जब होता है जमीर के तौर पे तो उसका माना तू होता है, तू तेरा मुजक्कर के लिए, और जब नीचे जेर हो काफ जेर की तो फिर मुअन्नस के लिए होता है। तो यहाँ इसका माना तेरी है। इया, इया का तेरी ही, सिर्फ तेरी ही। इया ताकीद के लिए है। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नून के मानी हम, और आइन बा और दाल, ये अबद और इबादत, अबूदियत वगैरह, अब्दुल्ला जैसे होता है तो उर्दू का लफ्ज अब्द जो है बंदा, बंदा बंदगी करने वाले को कहते हैं। तो याद रखने के लिए अब्द याद रखें। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। व इया का, और तुझ ही से। नस्ताईन, नून फिर हम, और इस्तानत उर्दू का जो लफ्ज है मदद जो होती है ये यहीं से बनता है। और जो एक और बात थोड़ी सी ग्रामर की बढ़ा दूं कि जो या नून है आखिर पे, जो लफ्ज या नून पे ख़त्म हो या वाओ नून पे तो वो जमा होता है। नस्ताईन, तुझ से ही मदद मांगते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तर्जमा ये बना, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमको दिखा। इहदिना, ना की मानी हम। अस्सिरात, रास्ता। अलमुस्तकीम, सीधा। ये सिरात को याद रखने के लिए पुल सिरात जिस पे क़यामत के दिन गुजारा जाएगा, और मुस्तकीम खते मुस्तकीम सीधा, जो खत्म सीधी लाइन लगाते हैं उसे खत्म मुस्तकीम कहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा। सिरात लजीना, सिरात रास्ता, लजीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, ये जो ता है इसका माना फिर तू, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, जिन पर तूने इनाम किया उन लोगों का रास्ता दिखा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। गैर ना, हम उर्दू में भी अपने जो अपना होता है उसको अपना कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको गैर कहते हैं, जो अपना नहीं होता। तो गैर अल मग़दूब, जिन पर गज़ब हुआ, गज़ब भी उर्दू का लफ्ज है, गैज़ो गज़ब, अलैहिम उन पर, वला और ना, अद्दालीन ना भटकने वाले, ना भटके हुए, जालीन भटके हुए, तो ना भटके हुए लोगों का रास्ता दिखा और ना जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनके रास्ते भी चला।
आमीन, और आमीन का माना आमीन हदीस में आता है बुखारी के अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम मुलद्दालीन कहे कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों के मुआफ़क हो गई, अल्लाह उसके पहले गुनाह माफ़ कर देता है। तो बहुत बड़ी फजीलत है ये, और ये चूंकि दुआ है और इस पर आमीन ही बनती है। ये आज का सबक था, आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं और वापस आ जाइए आयत नंबर 5 पर। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन में आप देख रहे हैं कि इसका माना बनता है हम तेरी ही इबादत करते हैं। अरबी ग्रामर वाले ये भी कहते हैं कि जब मफूल फाइल से पहले आ जाए, जैसे इया का मफूल है और नअबुदु फाइल है। आम तौर पे तमाम जबानों में फाइल पहले होता है, अंग्रेजी में जैसे सब्जेक्ट पहले होता है और बाद में सारा आता है, उर्दू में भी ऐसे होता है, अरबी में भी ऐसे होता है, लेकिन कभी कभी अरबी में मफूल को पहले ले आते हैं इया का नअबुदु। ग्रामर वाले कहते हैं कि जब मफूल पहले आ जाए तो और ताकीद पैदा हो जाती है, यानी तेरी ही, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, किसी और की नहीं करते, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते। तो ये जोर देकर कहा गया है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। जिस तरह किसी और की इबादत नहीं हो सकती, एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला ये समझता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, तो उसी तरह किसी और से मदद भी नहीं मांगी जा सकती। और ये हम वुजू करके, खाना काबा की तरफ मुंह करके, अपने अल्लाह के सामने हाथ बांध कर हर रकत में ये कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन अगर नमाज के बाद हम दुनियावी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल पेश आए, या जो इबादत की शक्लें हैं वो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए हम करना शुरू कर दें, तो आप अंदाज़ा कर लें कि फिर हम कहाँ खड़े हैं। यानी क़याम अल्लाह के लिए है, रुकू अल्लाह के लिए है, सजदा अल्लाह के लिए है, दुआ अल्लाह से मांगनी है, अगर देना है तो अल्लाह वास्ते देना है, अल्लाह के लिए देना है। ये सारी जो हैं माली कौली और फैली बातें जो अल्लाह की हैं, जिनकी कई बार मैं बता चुका हूँ, वो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। हम नमाज में ये वादा करें और बाद में अमल में कुछ और करें तो हमें गौर करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। इसी तरह मदद का मामला है कि हम नमाज में हाथ बांध कर अल्लाह से वादा करें तो बाद में उस पर पूरा ना उतरें तो कितनी बुरी बात है। यहाँ पर एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, बाज़ लोगों को ये गलती लगती है कि जैसे हम किसी को कहते हैं कि हेल्प मी, मेरी मदद करना, या किसी को कहते हैं मुझे पानी पिलाना, या बीवी से कहते हैं खाना बना दो, ये भी एक तरह की मदद है, तो फिर ये तो फिर हम अल्लाह ही से करनी है, ये इसका माना नहीं है। असल में जो अल्लाह ने किसी को कुव्वत दी है उसे कहते हैं तहतुल असबाब, जो असबाब के अंदर मौजूद है वो सिर्फ अल्लाह, वो गैर अल्लाह से आप कह सकते हैं, जैसे यही मैंने मिसालें दी हैं, और ये भी अल्लाह ने कहा है, वरना हम ये भी ना कहते व तआवानु अलल बिर्र व तक्वा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, तआवन किया करो, और बुराई के कामों में ना किया करो, ये अल्लाह ने कहा है। और जो असबाब से ऊपर मदद है, जैसे आप बारिश मांगते हैं, जैसे हम रिज्क मांगते हैं, जो असबाब से ऊपर हो वो मदद सिर्फ अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। ये असबाब के अंदर जो एक दूसरे का तावन है वो नहीं रोका गया। या आप यूं समझ लें कि आप जिंदा बंदे को
आप इस तरह कहते हैं कि आपके सर पे वो जो आपने उठाया हुआ, कोई गठरी उठाई हुई है, वो नीचे आप किसी दरख्त के नीचे रख देते हैं, फिर कोई गुजरता है उसे कहते हैं जी मुझे गठरी उठवा दें, मेरी मदद करें, तो ये शिर्क नहीं है। ना अल्लाह ने रोका है इस आयत में इससे, क्योंकि वो बंदा जिंदा है, आपको गठरी उठवा सकता है, अल्लाह ने उसके बाजू में कुव्वत दी है। हाँ, अगर आप वही गठरी किसी कब्रस्तान में फेंक दें, रास्ता कब्रस्तान के पास से गुजरता हो, और किसी बुजुर्ग से कहें कि ये जी मुझे उठवा दें, तो जब बुजुर्ग जिंदा था तो आप उससे कह सकते थे, लेकिन अब आप नहीं कह सकते। अब उसका अगला जहान है, उसकी अगली बात है। ये मैंने एक मोटी सी मिसाल दी है समझाने के लिए। तो अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह ही से मदद मांगनी है। ऐसी मिसालें देकर लोग फिर शिर्क की तरफ ले जाते हैं। क्या जब हम बीवी से खाना मांग सकते हैं, हम साये से गाड़ी मांग सकते हैं, ये भी मदद है, तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। बाकी सवाल जवाब में आप तफसील से भी बात कर सकते हैं। आगे अल्लाह से ये सवाल करना है कि हमें सीधा रास्ता दिखा। देखें, सीधा रास्ता अल्लाह ने दिखाना है, और जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह अपने दर से दुदकार दे फिर उसको कोई हदायत नहीं दे सकता। आगे फरमाया कि मिसाल देकर समझाया कि उन लोगों का रास्ता जो नेक हों, जो वली हैं, जो शहीद हैं, जो सहाबा कराम हैं, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जो कामयाब लोग हैं, उनका रास्ता अल्लाह से मांगना है, और उनका रास्ता नहीं मांगना जो गुमराह हुए, जो जिनके पास किताबें आईं और फिर उन्होंने तब्दीली कर दी या उन किताबों के मुखालफ चले, जैसे यहूद नसारा ने किया। तो अल्लाह से पनाह मांगनी है कि उनके रास्ते पे ना चलाए अल्लाह। तो ये आज की सूरह मुबारका की मुख्तसर आज के सबक की तफसीर थी, और ये इतनी अहम सूरत है कि एक हदीस में इसका नाम सलात है, फातिहा का नाम नमाज है, और कोई और सूरत नहीं है कुरान की जो नमाज में बार बार पढ़ी जाती हो, ये बार बार पढ़ी जाती है, और ये नमाज का रुकन है, ये ना पढ़े तो नमाज नहीं होती। तो इसलिए ये बड़ी अहम सूरत है, और इसको कुरान को खोलने वाली सूरत के तौर पे रखा गया है। आपने बड़ी बड़ी अच्छी किताबें पढ़ी होंगी, हर किताब से पहले उसका प्रेफस होता है, जिसे प्रीफेस लोग कहते हैं, दिबाचा जिसे कहते हैं उर्दू में। तो ये सही लफ्ज प्रेफस है, किताब लिखने वाला दिबाचा लिखता है अपनी किताब का। तो ये कुरान का दिबाचा है जो सूरह फातिहा है, इसके बारे में अल्लाह ने स्पेशली कुरान में फरमाया कि हाँ प्यारे नबी, हमने आपको कुरान और सबा मसानी अता फरमाई है, कुरान से अलग करके इसका जिक्र किया है। तो इसलिए ये बहुत अहम सूरत है, और इसके अंदर जो मजामीन हैं इन पर पूरी तरह ईमान रखना और फिर इसको पढ़ना, ये दुनिया के लिए और आखिरत के लिए कामयाबी की गारंटी है। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यासिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।